हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आजम के रिजॉर्ट में गिराया गया था अवैध निर्माण। रिजॉर्ट का अवैध निर्माण गिराने का देना होगा खर्चा। खर्चे का हिसाब लगाकर सिंचाई विभाग जुर्माना लेगा। डीएम ने ईंटों की जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम गठित की। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के रिजॉर्ट हमसफर की अवैध दीवार पर प्रशासन का बुलडोजर चलने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हुई। रामपुर के डीएम आंजने कुमार सिंह ने कहा कि रिजॉर्ट ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है, जिस पर रामपुर प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। अवैध निर्माण गिराने में जो भी खर्चा आया है उसका हिसाब लगाकर सिंचाई विभाग जुर्माना वसूल करेगा। शुक्रवार को आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के नाम पर बने रिजॉर्ट की दीवार तोड़ दी गई थी। इस कार्रवाई के बाद डीएम रामपुर आंजने कुमार सिंह ने यह भी कहा था कि बुलडोजर से की गई कार्रवाई में जो खर्च आया है वो भी आजम खान से वसूल किया जाएगा। साथ ही डीएम ने एक और खास बात कही कि दीवार के मलबे से जो ईंटें मिली हैं उनकी भी जांच की जाएगी। इसके लिए भी एक टीम गठित की गई है जिसमें 9 सदस्य होंगे। ये टीम मलबे से मिली ईंटों की जांच करेगी कि ये ईंटें कहां से लाई गई थी और इस कमेटी के अध्यक्ष CDO होंगे। डीएम आंजने कुमार सिंह ने कहा कि दीवार के मलबे में मिली ईंटों की प्रशासन जांच कराएगा। उन्होंने कहा कि सूचना मिली है कि दीवार के मलबे में पुरानी ईंटें भी मिली हैं। संभावना है कि किसी और बिल्डिंग को तोड़कर उसकी ईंटें यहां लगाई गई हैं। डीएम ने कहा कि मलबे में मिली पुरानी ईंटों की कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी। रिजॉर्ट में अवैध निर्माण को लेकर आजम खान को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन वो चुप्पी ही साधे रहे। मौके पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में दीवार तोड़ने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि अपने इस रिजॉर्ट के लिए आजम खान ने सिंचाई विभाग के नाले की 1000 गज जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। सिंचाई विभाग इस मामले में आजम खान को नोटिस भी जारी कर चुका है। रामपुर के जिलाधिकारी आंजने कुमार सिंह ने बताया कि हमसफर रिजॉर्ट में 1000 गज जमीन पर कब्जा किया गया है। ये जमीन पसियापुरा शुमाली से बड़कुसिये नाले की है। नाले पर कब्जे से पानी निकासी में दिक्कत हो रही है। रिजॉर्ट के पास ही पार्किंग के लिए भी अवैध कब्जा किया गया है, जिसका मुकदमा SDM कोर्ट में चल रहा है।